वो इंसान बहुत ही गुनाहगार था, उसने अपने जीवन में बहुत अत्याचार किए, धोखा दिया, झूठ बोला, हत्याएं की, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करता था। वो ऐसी जिंदगी जीता था किसी के लिए उसके मन में रहम नहीं था, वो किसी को नहीं मानता था। एक राक्षस की तरह उसकी जिंदगी थी, उसका दिमाग गलत चीजों पे चलता था। लेकिन एक दिन किसी ने उसे प्रभु के बारे में बताया, यीशु के बारे में बताया, और जैसे वो यीशु मसीह के करीब आया, जैसे वो यीशु मसीह को जानने लगा, तो उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। उसको झूठ बोलने में डर लगता। प्रेज द लॉर्ड, अपना जो पापमय जीवन है उसको गुजारने में उसको डर लगता था। प्रेज द लॉर्ड, और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी तरीके से बदल गया। उसका पुराना जीवन उससे दूर होता गया और परमेश्वर का नया जीवन उसके करीब आता गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जो जीवन देने के लिए आया है, यीशु जो मन को परिवर्तन करने के लिए आया है, यीशु जो हमें शुद्ध करने के लिए धरती पर आया है ताकि हम उसे प्राप्त कर सके। इस भाई को जब यीशु मिला, इस भाई ने जब यीशु मसीह को जाना, भजन संहिता 139 का 23 और 24 निकालेंगे, इस भाई को जब यीशु मसीह मिला, आज मैं एक विश्वासी की कहानी बताना चाहता हूँ। वो विश्वासी जो पहले दरिंदा था, वो विश्वासी जो पहले एक आम आदमी था, जो दोजक की जिंदगी जी रहा था, जब उसको यीशु मसीह मिला और जब उसने यीशु मसीह को जाना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, यीशु मसीह का मिलना और यीशु मसीह को जानना, जब उसने यीशु मसीह को जाना, पहले उसके जीवन में कोई चिंता नहीं थी जब प्रभु नहीं था। वो अपना हक छीनता था और खा लेता था, लेकिन जब यीशु मसीह आया और जब उसने यीशु मसीह को जाना मेरे भाई, तो उसके जीवन में एक चिंता आई। प्रेज द लॉर्ड, और वो रोज प्रार्थना करता था, वो रोज एक ही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरी चिंता ये है। 139 का हम 23 और 24 पढ़ेंगे, हम उस प्रार्थना के बारे में जानेंगे। हालेलुया, मेरी बहन बढ़िए। हे परमेश्वर मुझे जांच, भजन संहिता 139 या हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे क्योंकि मैंने तुझे जान लिया है। हालेलुया, यस। आगे, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए इस वचन को। आगे, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, वो मार्ग जो तुझ तक पहुंचता है। यस, आमीन। वो मार्ग जो मुझे तुझसे मिलवाता है। वो विश्वासी जिसने यीशु को जाना, जिसने परमेश्वर को जाना, वो क्या कहता है, मेरी चिंता क्या है, मेरी चिंता ये है कि यीशु मैंने तुझे पा तो लिया, तूने मुझे नई सृष्टि दी, तूने मुझे नया जीवन दिया, तूने मुझे पापों से मुक्त किया, तूने मुझे शापों से मुक्त किया, अब मेरी चिंता यह है कि कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं। हालेलुया, इस संसार इस धरती पर रहते रहते मेरी चिंता यह है रोज की कि कहीं मुझसे कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिससे मैं दूर हो जाऊं, इसलिए मुझे परख। हे मेरे पिता मुझे परख, तू बता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूं। आज हर इंसान यहां जो बैठा हुआ वो समझता है कि मैं सही करता हूं, मुझसे कोई गलत काम नहीं होता है, इसलिए वो भाई कहता है कि मुझे बता, मुझे परख, तू जानता है कि मुझ में कौन सी बुराई अभी भी है, तू जानता है कि मैं कहां गिरा हुआ हूं, तू जानता है कि मैं कौन से पाप से गुजर रहा हूं, तू जानता है कि कौन सा ऐसा विचार मेरे मन में आता है जो मुझे दूषित कर देता है, तू जानता है, मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मेरी चिंता ये है मेरे पिता, मेरे यीशु, कि तू मुझे पवित्र कर दे और अनंत काल अनंत मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो मार्ग छोटा हो, चाहे वो सकरा हो, वहां दुख हो, वहां सताव हो, प्रेज द लॉर्ड,
उस मार्ग पर मैं चलना चाहता हूं लेकिन तुझ तक पहुंचना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे भाई हमारे हर विश्वासी की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि कम हमारे अंदर यही डर होना चाहिए कि कहीं मैं कुछ गलत ना करूं, कहीं जीवन जीते जीते कहीं कोई मोह ना आ जाए, कहीं कोई स्वार्थ ना आ जाए, कहीं कोई लालच ना आ जाए मुझ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है ये सीमित है, लेकिन वो अनंत मार्ग जो परमेश्वर देने वाला है वो यीशु तक पहुंचता है। हालेलुया, मुझे उस मार्ग तक पहुंचना है और तूने मुझे उस मार्ग के लिए चुना भी है। हालेलुया। लेकिन मेरी प्रार्थना है हे यीशु, हे दाता, हे रचयिता, कि मुझे मुझे तू परख। वो क्या कहता है, देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं है, मैं सही चाल चलूं। भजन संहिता 119 का पहला, मैं सही चाल चलूं, मेरी चाल में कहीं खराबी ना हो। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। आमेन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, जो खरी चाल चलते हैं, जो सच बोलते हैं, जो स्वार्थ नहीं रखते हैं, जो खरी चाल चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 का 14 निकालिए। क्योंकि परमेश्वर जब आपको चुनता है तो परमेश्वर आपके संग आपको एक चेतावनियों के द्वारा बताता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे जीना है। हेलो, परमेश्वर के करीब आना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। बाइबल क्या कहती है कि तुम मुझे नहीं चुनते हो, मैं तुम्हें चुनता हूँ, और सिर्फ चुनता नहीं हूँ, चुनकर नियुक्त करता हूँ। और किसके लिए नियुक्त करता हूँ, ताकि आप फल लाए और आपका फल बना रहे, फल आकर ना जाए, आप जो फल लाए आपका फल बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहता है 119 का, मैं तेरी चेतावनी के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि मैं तेरी चेतावनियों से ऐसा हर्षित हुआ हूँ जैसे कि यानी कि मुझे धन मिल गया। Praise the Lord, मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। Yes, hallelujah. तेरी चेतावनियां मुझे बताती हैं। चेतावनियां क्या हैं? Warnings. आपको वार्निंग देती हैं। चेतावनियां क्या हैं? देखिए, हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वाचा के अनुसार रहें। वो अगर हमें चुनता है तो वो चाहता है कि हम वाचा में बंधे। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को रोटी खिलाई, जब वो दाखरस का प्याला पिलाया, उसने कहा ये वाचा का लहू है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम इस लहू में से पियोगे तो तुम मेरी वाचा में बंध जाओगे और मेरे आने तक तुम्हें मेरा प्रचार करना है। हालेलुया। वो वाचा का परमेश्वर है। मूसा इस किताब को वाचा की पुस्तक कहता है। उसने वाचा बांधी, और जब तक वो आपसे वाचा नहीं बांधेगा तब तक वो आपके द्वारा कोई काम नहीं कर पाएगा। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने 4 वाचाएं बांधी, चौथी वाचा में परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम सिद्ध हुआ है, जब उसने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाने के लिए मोराब पर्वत पर गया। उससे पहले जो उसने वो आपका वाचाएं बांधी थी, उन सारी वाचाओं में इब्राहिम खरा नहीं उतरा। वो वाचा बांधता था, तोड़ देता था। तो सबसे बड़ी चेतावनी क्या है? वो कहता है वाचा बांध। वाचा स्वर्ग और धरती को, परमेश्वर को और आपको जोड़ती है। वाचा बहुत, यीशु मसीह उस वाचा के अंतर्गत आए थे, वो नई वाचा लेकर आए थे। यूहन्ना बपतिस्मा ने एक नई वाचा को इंट्रोड्यूस किया है। वो नई वाचा हमें बताती है कि हम परमेश्वर के हैं। बपतिस्मा की रीत उस वाचा का एक अंग है, चिन्ह है कि कैसे हम वाचा के अनुसार चले। हालेलुया।
क्योंकि हम परमेश्वर के करीब हैं, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महान पिता है, वो परमेश्वर है, इसलिए वो कहता है कि तेरी चेतावनियां मुझे इतनी अच्छी लगती हैं जैसे मुझे लगता है कि कोई धन मिल गया हो, एक खजाना मिल गया हो, वो खजाना जो ना खत्म होने वाला हो। तेरी चेतावनियां मुझे बताती हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, तेरी चेतावनियां मुझे बताती हैं कि तूने मुझे अपने लिए चुना है, तेरी चेतावनियां बताती हैं कि तूने मुझे यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया है और मुझे उसमें रहना है। हेलो, इसलिए वो कहता है तू मुझमें कोई भी अवगुण देखता है तो मुझे बता, मैं हर चीज को निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता। मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो चेतावनियां जो हैं वो परमेश्वर की आघात है, अद्भुत है। हालेलुया, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी का 66वां, 119 का 66वां पढ़िए, 66। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। हालेलुया, वो क्या कहता है कि तेरी चेतावनियों, तेरे वचनों को समझने के लिए मुझे विवेक दे, मुझे ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। यस, उसकी चेतावनियां, उसकी आज्ञाएं, मैंने तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब तेरी आज्ञाओं को समझने के लिए मुझे विवेक दे। कभी कभी हम उसकी आज्ञाओं को सुन लेते हैं, आज्ञाएं अच्छी हैं, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें धोखा नहीं देना है, हमें मकारी नहीं करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, पिता को पूछना है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें सब कुछ उसकी आज्ञाएं हमें पता है। हालेलुया, हम सुन लेते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि हमें उस पर चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि जैसे ही आप प्रभु के चरणों में आते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, आप उसकी वाचा में बंध जाते हैं। अगर आप उसकी आज्ञा पर सिर्फ विश्वास करते हैं और चलते नहीं हैं, तो आप उसकी वाचा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे, और वो परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार ही काम करता है। हेलो, इसलिए वो कहता है कि मेरे विवेक को, मेरे भले विवेक को ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी वाचा पर, तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। और याकूब की पत्री कहती है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। yes, कर्म बिना मृत है। अगर आप विश्वास करते और काम नहीं करते तो मृत है आपका विश्वास। हालेलुया, याकूब 1:26 कहता है, अगर आप विश्वास करते हैं और काम नहीं करते हैं, उसके मुताबिक जीवन नहीं बिताते हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, हालेलुया, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर है, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपके अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपके अंदर है, और आप उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। उसकी आत्मा मुझे बताती है कि मुझे क्या करना है, उसकी आत्मा मुझे बुद्धि देती है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मुझे ज्ञान दे। फिलिपियों की पत्री 1:9 निकालेंगे, उसमें पौलुस की भी यही प्रार्थना है। फिलिपियों की पत्री, हालेलुया, पौलुस भी यही कहता है कि परमेश्वर के प्रेम के लिए तुम्हारे अंदर ज्ञान की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, कौन प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर? पौलुस। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। ज्ञान, क्रूस को जब आप देखेंगे तो आपको एक ज्ञान मिलता है। क्रूस को देखकर आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चलेगा
कि परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, ताकि हम पवित्र हो जाएं। क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने पापों को लिया, हमारे पापों को उसने हर लिया और हमें अपनी धार्मिकता दी। तो इसलिए वो कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो प्रेम यीशु मसीह के लिए है, उसमें ज्ञान की जरूरी है, उसमें ज्ञान होना चाहिए। आज हमने आए कलीसिया में, हमने देखा कि दो आदमियों को आंखें मिल गईं, दो आदमियों को कान मिल गए, चंगाई हो गई और हमारा प्रेम यीशु मसीह के लिए बढ़ गया। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेम का ज्ञान, उस प्रेम में ज्ञान होना जरूरी है। वो ज्ञान बताएगा कि यह हुआ कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं है फिर भी वो है, यही ज्ञान है। हेलो, वो नहीं है फिर भी वो है। आप उसे नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जवाब देता है कि नहीं देता है, होता कि नहीं होता ऐसा। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है, पता नहीं उस तक हमारी आवाज पहुंचती कि नहीं पहुंचती। देखिए भजन संहिता 139 का 17 और 18, भजन संहिता 139:17-18। अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं मेरी बात परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता, मैं तो उसे पुकारता हूँ लेकिन सुनता है कि नहीं सुनता है, सुनिए। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। 139:17-18 साम। हाँ, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। तेरे विचार। हेलो, अगर आपको शंका है तो आप जानिए कि आपके लिए उसके मन में विचार है। आपके लिए वो सोचता है और उसके जो विचार आपके लिए हैं वो बहुमूल्य हैं, उनकी कीमत है। हेलो, ऐसे नहीं सोचता आपके बारे में। उसके मन में जो आपके लिए विचार है वो बहुत बहुमूल्य है, वो बहुत कीमती है। इसलिए वो कहता है कि और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। इतने विचार हैं परमेश्वर के आपके लिए कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकती। आप गिनती नहीं कर सकते। अगला वचन 18, यदि मैं उनको गिनता तो वे वालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। आमीन। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। इतने विचार है। वो इतना सोचता है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सोचता है कि उसके विचार जो आपके लिए हैं वो बालू के किनकों से भी बहुत अधिक हैं, लेकिन बहुमूल्य हैं। लेकिन आप उन विचारों पर विश्वास नहीं करते। आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मेरे बारे में इतना सोचता है। वो आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है, आपकी जिंदगी के दुखों को। आप सुनिए, जब उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया आपके लिए, अपने निज पुत्र को गंवा दिया आपके लिए, आपकी हर प्रॉब्लम को, आपके हर दुख को यीशु स्वीकार करना चाहता है। और उसने ये सिर्फ क्रूस पर ही नहीं कहा, उससे पहले भी कहा है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। कोई भी दुख है, कोई भी बोझ है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जो इस धरती का रचयिता हूं, मैं जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तेरी अशांति से, तेरे दुख से, तेरे सताव से। लेकिन उसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास के लिए उसको जानना पड़ेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हम किसी पर विश्वास किए बिना उसके संग रह सकते? हम किसी पर विश्वास किए बिना क्या उसके साथ चल सकते? नहीं चल सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें बाइबल कहती है कि हमें जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमें जानना है कि वो है कौन। हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि मेरे जिंदगी का जो चीजें हो रही हैं, नौकरी मिल रही है, चंगाई मिल रही है, सुख मिल रहा है, नहीं, हम उसको जानना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसको जानेंगे, जब आप उसके प्रेम को जानेंगे, जब आप उसके उसके अंदर पूरी तरीके से उसके ज्ञान को, उसकी इच्छाओं को, उसके उसके विचारों को समझने लगेंगे मेरे भाई, हालेलुया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इब्राहिम परमेश्वर को जानने लगा था, जो चौथी वाचा में उसने बांधा, इब्राहिम समझ गया। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपने इकलौते पुत्र को बलि करना पड़ेगा, उसने एक पल नहीं सोचा, एक पल नहीं सोचा, क्योंकि वो जान चुका था वो परमेश्वर कौन है। वो मुर्दा को जिंदा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन देने वाला है। इब्राहिम जान गया था कि मेरे द्वारा वो वंश बढ़ाने वाला है। वो मेरे संग वाचा बांध चुका है, आकाश के तारों को दिखाकर और धरती के बालू के कणों को दिखाकर वो मुझसे वाचा बांध चुका है। वो जान गया था, इसीलिए उसने कहा मुझे परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, चाहे मेरा बेटा चला जाए लेकिन मुझे परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर मुझसे दूर ना हो। मेरे भाई, हम जब कोई आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, हम कुछ चंगाई पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर को बहुत खुशी होती है। लेकिन जब हम चंगाई पाकर उससे दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि चंगाई का चिन्ह बताता है कि वो है। हेलो मैं, आपको जब चंगाई मिलती है उसका क्या प्रमाण है कि वो है? आज किसी को चंगाई मिलेगी, इसका क्या प्रमाण है कि वो है? लेकिन जब वो है, उसके होने पर जिस दिन हमने विश्वास किया, उसके होने को जिस दिन हमने अपना लिया, तो हम उस बीमारी की चिंता नहीं करेंगे, हम उसकी चिंता करेंगे क्योंकि वो है। बीमारी है तो रहे, वो मेरे अंदर से ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास नौकरी नहीं है तो ना सही, वो मेरे अंदर से ना जाए। yes. मैं उससे दूर ना हो जाऊं। yes, इसलिए भजनकार कहता है मेरी चिंता ये है कि तू मुझे अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इसलिए वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा जो प्रेम है परमेश्वर के लिए उसमें ज्ञान बढ़े, तू विवेक को समझे, विवेक की जो बुद्धि है तेरी खुले और तू जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी का 18, 119 का 18। इसलिए बार बार वो अपने आप को परखने की बात करता है, इसलिए बार बार वो प्रभु के और करीब आने की, उसके भेदों को जानने की बात करता है। हेलो, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत भेदों को जान सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसके भेदों को जान सकूं। उसका भेद क्या है, उसके भेद क्या है, व्यवस्था का भेद क्या है? वो सिर्फ चुनता ही नहीं है, वो बनाता भी है। वो सिर्फ चिंता ही नहीं है, वो नियुक्त भी करता है। उसका भेद क्या है कि तू सिर्फ बचाता ही नहीं है, बनाता भी है। उसका भेद है कि वो पापों से आजाद ही नहीं करता, पवित्रता भी देता है। हालेलुया। और इन सब से ऊपर उसका भेद ये है कि वो हमें पुत्र बनाकर स्वर्ग में रखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी व्यवस्था का भेद क्या है, उसने आपको क्यों चुना है,
आपको उत्तराधिकार का अधिकार दिया है, वो आपको सिर्फ चुनता ही नहीं है, नियुक्त भी करता है, वो आपको बचाता ही नहीं है, बनाता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको शुद्ध नहीं करता, सिर्फ पापों को हटाता ही नहीं है, अपनी पवित्रता भी देता है। yes, प्रभु। तो यही उसकी चेतावनियां हैं, तीन चेतावनियां जो मैं आपको, बहुत सी चेतावनियां हैं, लेकिन इन तीन चेतावनियों के बारे में हम जानना चाहते हैं। पहली चेतावनी यह है कि वाचा में बंधना। दूसरी चेतावनी क्या है? पवित्रता के अनुसार जीवन बिताना। और तीसरी चेतावनी क्या है? कि परमेश्वर के मन के बोझ को समझना, परमेश्वर की इच्छा को जानना। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था, जब प्रार्थना की थी तो क्या कहा था, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। ये किसका बोझ है? हमारा। ये किसकी प्रार्थना है? हमारी। जैसे तू स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है पिता परमेश्वर, धरती पर हो, और धरती पर उसकी इच्छा कौन पूरी करेगा? पिता किसके द्वारा पूरी करना चाहता है? हमारे द्वारा। इसलिए तो उसने आपको चुना है। लेकिन हम पीछे हट जाते हैं मेरी बहन, हालेलुया। हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। इसलिए वो कहता है कि अपनी शुद्धता को तुम बनाए रखो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो, जैसा मैं सिद्ध हूं वैसे तुम सिद्ध बनो। हालेलुया। व्यवस्था का भेद, देखिए उसका भेद क्या है, यिर्मयाह 32 का 40 निकालिए। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा। आमीन। अब देखिए वाचा का अंतर समझिए, वाचा को समझने की कोशिश की, वाचा क्यों बांधता है परमेश्वर। मैं उनसे ये वाचा, कमिटमेंट, समझ रहे हैं आप, कमिटमेंट आपसे बांधना चाहता है परमेश्वर। वो क्या कहता है कि मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। कि मैं उनका संग छोड़कर उनका भला करना कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो, क्या दो आदमी ताली बजा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि उसकी वाचा क्या है? हमेशा वो आपके साथ रहेगा, और साथ रहकर क्या करेगा? आपका भला करेगा। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। वो वाचा बांध रहा है आपसे। देखिए मेरी बहन, हमें वाचा में रहना है तभी हम ये सुख पा पाएंगे। इस वाचा से अगर आप अलग हुए तो आप उसका, उस आशीष को नहीं पा पाएंगे। क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? नहीं। आपको विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास है कि नहीं है? यस। परमेश्वर महान है। यस। हालेलुया। उसका हर वचन सत्य है। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा। वाचा बांधी है उसने। और उस वाचा पर चलने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का लहू बहाया है, उसने प्रमाण दिया है मैं परमेश्वर हूं और तुझसे कितना प्रेम करता हूं। 2018 साल पहले उसने प्रमाण दिया है कि मैं ही हूं जिसने वाचा बांधी है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैंने तुझसे वाचा बांधी है। और प्रमाण है क्या? मेरे बेटे का लहू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग ना होना चाहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हेलो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो आप में अपना भय भी उपजाता है तो वो भी आपके लिए। हालेलुया। इसीलिए वो भजन संहिता 139 का वो क्या कह रहा है भजनकार, कि मेरी चिंता ये है कि कहीं मैं तुझसे अलग ना हो जाऊं।
वो कह रहा है मैं उसमें भय अपना भय ऐसा उपजाऊंगा कि वो मुझसे दूर ना हो। यस प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको अपने से अलग करना नहीं चाहता है, वो आपके आपको साथ रखना चाहता है। धन्यवाद। नीति वचन एक का साथ क्या कहता है? यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। हेलो, धन्यवाद कि हम परमेश्वर के भय में जिंदगी गुजारे। धन्यवाद कि हम कोई भी काम करने से पहले घुटने पे आए। धन्यवाद कि हर काम करने से पहले हम उसे बताएं कि हम शून्य हैं परमेश्वर, हम कुछ नहीं हैं। जीवन देने वाला तू है, हमारा सहायक तू है, रचयिता तू है, ज्योति तू है। यह एहसास हमारे अंदर हमेशा रहे, इसके लिए वो चाहता है कि उसका भय हमारे अंदर रहे। क्योंकि जब उसका भय हमारे अंदर रहेगा तो शैतान हमसे कोई गलत काम नहीं करवा पाएगा, शैतान हमारे करीब नहीं आएगा। क्योंकि आपके अंदर उसका भय है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे यीशु मुझसे अलग हो जाए, मैं कोई ऐसा सुख पाने की इच्छा ना करूं जो परमेश्वर से दूर हो जाऊं। नहीं, मुझे प्रभु चाहिए। वो भय जिसमें आपकी भलाई है, वो भय जो आपको प्रभु से बांधता है। मुझे वो भय चाहिए, मुझे उस भय में जिंदगी जीना है। किसी का हक मारने से पहले मेरे अंदर डर पैदा हो, किसी की और गलत निगाह देखने से पहले मेरे अंदर डर पैदा हो। हालेलुया। वो डर हमें परमेश्वर के करीब रखेगा। आप मां बाप हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर हमारा डर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपका डर उसे सही मार्ग पर लेके आए, घर वापस लेकर आए, गलत संगति से दूर रखे। यिर्मयाह 32:39 बोलिए। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। कि मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग दूंगा। आमीन। एक ही मार्ग। हम सबका मार्ग कौन सा है? एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने चुना तो हमारा मार्ग कौन है? यीशु। हमारा जीवन कौन है? यीशु। हमारी ज्योति कौन है? यीशु। एक ही मन। फिलिप्पियों 2:2 तो मेरा यह आनंद पूरा करो। हाँ। कि एक मन रहो। एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हमारा एक ही मन हो, एक ही भावना हो, एक ही दृष्टिकोण हो और उसी के अनुसार हम चले। तब हम उसकी सेना कहलाएंगे, तब हम उसके लिए काम करेंगे, तब हम उसके लिए जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करिए। उत्तर प्रदेश में 100 चर्चेस बंद हो चुके हैं, 100 कलीसियाएं बंद हो गई बड़ी, और फिजूल का इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। वहां के पास्टर कह रहे हैं कि पुलिस से कि बताइए आप किसने किया है, उनको लेकर आइए। वो किसी को नहीं ला रहे हैं, लेकिन चर्च बंद है। लेकिन अगर हम एक ही मन, एक ही दृष्टिकोण से और एक ही लक्ष्य से प्रार्थना करेंगे, शैतान भागेगा। शैतान भागेगा। ये सिर्फ प्रार्थनाओं का ही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हमें प्रार्थना करनी है। वो भाई जिसने ऐसा हुक्म निकाला है, वो भाई खुद कदमों पर आएगा। वो भाई खुद आएगा, घुटने पर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छे अच्छे पास्टर हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चेस थे वहां पर, 10,000 लोग आते थे वहां पर, ऐसे चर्चेस बंद कर दिए। कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। इसलिए वो कहता है एक ही मन मैं दूंगा, उस एक ही मन में मैं विराजमान रहूं। yes, मेरी चेतावनियां रहे,
मेरी आज्ञाएं रहे, मेरी वाचा रहे, एक ही मन। हम सब एक ही मन से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह का मन है, हालेलुया। हम एक ही मन में हैं, एक ही मन के द्वारा हम चल रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है उस मन को हम यीशु मसीह के मन के मुताबिक चलाएं। हमारे मन में कौन है? हेलो यीशु। अगर हम यीशु की ज्योत लेकर जो हमारे मन में है हम चलेंगे, तो हम अंधकार दूर करते हुए जाएंगे। अंधकार दूर हो जाएगा मेरी बहन, हमारे सिर्फ ज्योति को लेकर चलने से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है अंधकार मैं एक ही मन दूंगा और एक ही मार्ग पर चलाऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह 32 का 39, 32 दोबारा पढ़िए। 32, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपके संग वाचा क्यों बांधता है, परमेश्वर आपको अपने संग क्यों रखना चाहता है, परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप उसकी वाचा के अनुसार जीवन बिताएं, ताकि आपके बाल बच्चे भी वो आशीष पाएं, आपके बाल बच्चे भी सुख पाएं, आपके बाल बच्चे भी उसी मार्ग पर चलें जिस पर चलना चाहिए, जो सही है, जिसमें जीवन है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें सुरक्षा है, जिसमें बरकत है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वह सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। आपका भय जब आपके बच्चों में जाएगा, परमेश्वर का भय जब परमेश्वर आपके बच्चों में जाएगा, तो गलत चाल चल ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान देंगे, अगर आप परमेश्वर की चेतावनी अपने बच्चों के मन में डाल देंगी, मैं आपको सच कह रहा हूं, निश्चिंत हो जाइए, शैतान आपके बच्चे को छू नहीं पाएगा, क्योंकि आपके बच्चे के मन में परमेश्वर का भय है। हालेलुया। और वो भय उसे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भजन संहिता 28 का 2 पढ़िए, देखिए उसका भय हमें ये प्रार्थना सिखाता है कि हम उस पवित्र स्थान को, उस पवित्र परमेश्वर को किस तरीके से देखें। जब मैं तेरी, एक मिनट, हमें परमेश्वर के पास कैसे जाना है? वो भजनकार कहता है कि अगर मैं तेरे सामने ठीक रीति से नहीं जाता तो मेरी प्रार्थनाओं को तू मत सुन। हेलो, आप किसके सामने जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? किसके सामने प्रार्थना करने जा रहे हैं? देखिए क्या कहता है भजन संहिता 28:2। जब मैं तेरी दुहाई दू, जब मैं तेरी दुहाई दू, हे पिता परमेश्वर सुन ले, और तेरे पवित्र स्थान की भीतर कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी, एक मिनट, हे पिता सुन ले, जब मैं तुझे दुहाई दूं और जब मैं तेरे भीतरी कोठरी की तरफ जो पवित्र है उसकी तरफ जब मैं हाथ उठाऊं, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उस भीतरी कोठरी की तरफ हाथ उठाने के लिए मेरी बहन उस भीतरी परमेश्वर को जानना पड़ेगा। हालेलुया। उस भीतरी परमेश्वर को जानना पड़ेगा, उस बाहरी इशू से काम नहीं चलेगा, अंदरूनी इशू को जानना पड़ेगा। yes, हमारे अंदर जो इशू है उसको पहचानना पड़ेगा। yes, प्रभु। तब हम उस भीतरी कोठरी की तरफ हाथ उठाएंगे जो पवित्र है, जो पवित्र स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल वो कहता है कि मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। पौलुस हमें प्रार्थना सिखाता है कि मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि मैं तेरे भीतरी स्थान को देख सकूं।
तेरे अंदरूनी मन को देख सकूं। हे यीशु, तूने बाहरी रूप से तो हमें आजाद कर दिया, हमने देखा क्रूस पर तूने हमें आजाद किया, पवित्र किया, माफ किया, तूने कोड़े खाए, लेकिन अब मैं तेरे अंदरूनी मन को देखना चाहता हूं। yes. तेरे उस प्यार को और नजदीकी रूप से चखना चाहता हूं कि तुझे मुझे बचाने में, कि तुझे मुझे चुनने में, मुझे सुख देने में, मुझे धार्मिकता देने में तूने इतना कष्ट सहा। हेलो, तेरे भीतरी मनुष्यत्व को जानू मैं यीशु, तुझे अंदर से जानना चाहता हूं, मैं तुझे समझना चाहता हूं। इसलिए वो कहता है कि भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाओ, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुनना तू। हेलो, तेरे भीतरी मन को जानो। इसीलिए मती 6:6 क्या कहता है, परमेश्वर के भीतरी मन को जानना। मूसा जानता था, इसे 40 दिन 40 रात उसके संग रहता था, मूसा के संग दोस्त की तरह बात करता था परमेश्वर। इब्राहिम को जानता था, इब्राहिम जानता था, प्रेज द लॉर्ड। जब भी परमेश्वर इब्राहिम से मिला, इब्राहिम ने कभी नहीं कहा मुझे बच्चा दे, परमेश्वर बोलता था, उसके मन को जानता था, उसकी दुहाई देता था वो, उसकी राह देखता था वो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मती के 6:6 क्या कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र कोठरी की तरफ हाथ उठाने से पहले हमें अपने कोठरी के अंदर जाना है, हमें अपने कोठरी के अंदर जाना है और ये पता लगाना है कि अभी भी कुछ ऐसा कहीं कोई पाप तो नहीं छुपा अंदर, कोई ऐसी बात तो मेरे अंदर अभी भी नहीं है। इसलिए पवित्र परमेश्वर जो मेरे अंदर है उससे मुझे बात करनी है और उसे कहना है, अगर अभी भी मेरे अंदर का जो मंदिर है वो शुद्ध नहीं है परमेश्वर, तो उसे शुद्ध कर। यही बात भजन संहिता 139:23-24 में कहता है वो, मेरी चिंता ये है मुझे परख, अंदर से परख, कहीं मैं तो उससे दूर ना हो जाऊं, कहीं मेरे मन में कहीं अभी भी कोई ऐसा अवगुण तो नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उसको जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कलीसिया आए तो उसको जानने के लिए। एक बोझ आपके अंदर पैदा हो कि मैं अपने पिता को और जानूं, मैं यीशु को और जानूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम अपने जीवन में तभी महसूस कर सकते हैं जब हम उसकी वाचा के अनुसार चलेंगे। ये तय है, अगर आप उसकी वाचा के अनुसार नहीं चलेंगे, आप कितना भी वचन जान लें, आपको कोई आशीष नहीं मिलेगा, आपको महसूस ही नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उसकी वाचा के अनुसार चलेंगे, आप महसूस करेंगे कि वो आपके अंदर है। और उसकी वाचा हमें एक चीज और बताती है, हम कैसे जीवन जीते हैं, हमारे 5 इंद्रियों की वजह से, बोलना, सोचना, सूंघना, महसूस करना और देखना। ये 5 इंद्रियां हैं इंसान की, जिसके अनुसार वो जीवन जीता है। लेकिन परमेश्वर की वाचा हमें बताती है कि जब हम उस वाचा में आते हैं तो हम उन 5 इंद्रियों से ऊपर हो जाते हैं। हमारे लिए देखना, सुनना, महसूस और बोलने की कोई कीमत नहीं है। आप देखकर विश्वास करते हैं, मैं बिना देखे विश्वास करता हूं। आप उससे मांगते हैं जो दिखता है, मैं उससे मांगता हूं जो नहीं दिखता है।
यानी कि मैं आपकी इंद्रियों से अलग ऊपर हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप उससे मांगती हैं जो नहीं दिखता है, संसार उससे मांगता है जो दिखता है, यही तो फर्क है, यही तो वाचा है, यही तो विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस भाई का जो कथन है, उसकी जो चिंता है कि परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, कहीं अभी भी कोई ऐसी कमी मुझ में ना हो, क्योंकि मेरी चिंता यह है कि मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूँ। Yes. किसी भी कीमत में मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता। Yes, Lord. तू मुझे दृष्टि दे, मुझे बुद्धि दे, तू मुझे ज्ञान दे, मेरे भले विवेक को तू परमेश्वर खोल। Yes. तू भले विवेक के द्वारा मुझे आशीष दे, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे कैसे जीवन जीना है। Yes, और मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपकी भी यही प्रार्थना है, Yes. अगर आप भी यही चाहते हैं, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आप परमेश्वर से दूर ना हो, तो आप भी प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपको जवाब देगा। हमें उससे अलग नहीं होना है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हम अलग हो जाएं, यीशु का प्यार हमसे अलग हो जाए, नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, हर चीज आपके लिए छोटी है उसके सामने। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे घर के हालात हो, चाहे आपका कोई भी मुसीबत हो, लेकिन आप की आंखें, आपका मन उसी की खोज में लगा रहे। Yes. उसको पाने की खोज में, उसके साथ रहने की खोज में। इसलिए प्रकाशित वाक्य का कहता है कि हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, उसके आने की इंतजार करनी है। ये टीवी वगैरह जो हम लोग देखते हैं, कम देखना है, बहुत ही नई देखे तो अच्छा है। Yes. क्योंकि वो शैतान उसके जरिए भी काम करता है, हम समझ नहीं पाते और शैतान काम कर रहा है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें अपने से दूर ना करे। Yes. हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।